Hi friends, welcome to the Swan Smart School. Friends, आज मैं आपके लिए लाया हूँ past continuous tense. वैसे मैं बहुत सारी चीज डाल चुका हूँ, present की डाल चुका हूँ, past indefinite की डाल चुका हूँ, लेकिन आज मैं लाया हूँ past continuous tense है. So let's we start. Past continuous tense. पहले हम उसकी पहचान जान लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो past continuous tense है. जिस वाक्य के अंत में ला था, लही थी या फिर ला, लहे, थे आता हो वो past continuous tense है. अब हम पहले helping verb जान लेते हैं उसकी. Was verb was singular के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना है. और जो verb है वो प्लूरल के साथ लगता है, और साथ में एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर V1 form plus ing form use होती है. जी हाँ दोस्तों, ये वापस से रिपीट कर लो, V1 form plus ing form. अब हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ing form प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc etc. अब हम चलो इनके सेंटेंस पर पहुंचते हैं. इधर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन. आई वॉज ईटिंग द फूड. आप देख लो इधर वाज था, इधर भी वाज आया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए बात हो रही है, अपने लिए. इसके अंदर कोई प्लूरल नहीं है, इसके अंदर वी नहीं है, इकट्ठा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने इधर वाज लगाया है. अब हम प्लूरल में पहुंचते हैं. वी वर ईटिंग द फूड. आप देख रहे हैं वर, जो वर है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लूरल के साथ लगा है, क्योंकि वी जब आप अपनी फैमिली सेल्फी लेते हैं तो उसके अंदर जब आप फोन ऐसे करते हैं तो आपकी जो फैमिली के मेंबर्स है वो बहुत सारे आ जाते हैं, सो फिर वो वी के में यूज होता है. सो वी वर ईटिंग द फूड. इसको आप दूसरा सेंटेंस में बता दू, वी वर ईटिंग द आइसक्रीम. मतलब कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं. इसके अंदर आई और वी हुआ है, ये जो सेकंड पर्सन है इसके अंदर यू योर यू, लेकिन इधर यू यू हुआ है. यू वर ईटिंग द फूड, इधर अपने लिए बात नहीं हो रही है, दूसरे के लिए हो रही है, इसलिए इधर जो ये वर्ड है ये प्लूरल में आता है, इसलिए जो ये सिंगुलर है इसके साथ प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है. अब इधर आपको बताइए यू वर ईटिंग द फूड, इधर सेम सेंटेंस है. अब आता है थर्ड पर्सन, इसके अंदर ही दे और नेम होता है, इधर हमने ही और दे यूज किया है. ही वॉज ईटिंग द फूड, दूसरे की बात हो रही है. ही इसके अंदर सिर्फ ही, वो सिंगुलर है. जी हाँ दोस्तों, ही वॉज ईटिंग द आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खा रहा है, ना कि They were eating the ice cream. दोस्तों जो ये दे है ये प्लूरल के यूज होता है, इधर जो ये वाज है उधर ये सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है. उस जगह बहुत सारे आदमी नहीं है, बस हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए इधर वाज यूज हुआ है जो सिंगुलर में आता है. अब they were eating the food, बताई चुका हूं. इधर आप ये भी दे वर ईटिंग द आइसक्रीम, इधर तो ये वर्ड है, मतलब जब वो आइसक्रीम शॉप पर खड़े हैं तो बहुत सारे आदमी खड़े हैं, इधर तो हमने बस एक पर्सन को देख के उसके ऊपर सेंटेंस बनाया था, ओनली इन वन सेंटेंस. फिर इधर जो ये वर्ड आता है प्लूरल में होता है, फिर वर्ड में आप कितने भी पर्सन आ सकते हैं, 5-6, मतलब जो एक से भरकर है, 2-3-4, वो प्लूरल में आते हैं. फ्रेंड जो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, देखा दोस्तों कितनी इजी वे से हमने कितनी जल्दी कर लिया एक वीडियो में. ऐसे जो मैं साई सीडी फ्यूचर का भी डालूंगा, आप इसको आराम से कर लेंगे, और मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और इसको सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करे और शेयर करे, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद.